साथ मौजूद हैं सोनम वांगचुक, जो कि आज जंतर मंतर दिल्ली में मौजूद हैं। लद्दाख से पहुंच के हैं सीधे दिल्ली के जंतर मंतर, लद्दाख की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, आप दो साल से कह रहे हैं कि दो साल से ये काम लगातार चल रहा है, दो साल के वादा को हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश की आपकी मांग है, अगर ये अभी भी नहीं होता है, यहाँ जंतर मंतर पहुँचने के बावजूद और लद्दाख में जब आप धरना दे रहे थे तो कई राज्यों के लोग आपके साथ खड़े हुए, अभी भी नहीं होता है, तो आगे आप किस तरीके से, आगे का रुख क्या होने वाला है? मेरी उम्मीद है कि जब सरकार संज्ञान लेगी, समझेंगे समस्या को, तो वो कदम बढ़ाएंगे। जिन्होंने हमें यूटी दिया वो संरक्षण भी देंगे, मगर अगर ऐसा अगर नहीं होता है तो हम लोकतंत्र में तो आवाज़ देना सबसे बड़ी एक वो है, क्या कहते हैं, हक है, तो हम आवाज़ देते रहेंगे बुलंद से बुलंद पहाड़ों से, और ख़ुद पे हम थोड़ा जुल्म डाएंगे, हम किसी और पे कुछ भी दर्द या मुश्किलातें नहीं डाएंगे, हम खुद पे अनशन करके, अब 5 दिन का किया है तो अगले बार 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का करते जाएंगे। तो आप हमारे साथ देख रहे थे, मौजूद थे सोनम वांगचुक, वो सोनम वांगचुक जिनका किरदार आमिर खान ने 3 इडियट्स में निभाया, जिससे प्रेरित वो किरदार था फुंसुक बांगड़ू का, जो आमिर खान ने निभाया था 3 इडियट्स में, जो बहुत सुपरहिट फिल्म रही, जिसने कभी हंसाया कभी रुलाया, आज भी लोग उसको लगातार देखते हैं, वही सोनम वांगचुक आज लद्दाख की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जब 2019 में वहां 370 को हटाया गया, तो जब केंद्र सरकार ने ये कहा था कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, मगर उस मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया, जिसके लिए सोनम वांगचुक की लड़ाई जारी है, और इसी लड़ाई में वो 5 दिन के सांकेतिक फास्ट पर भी बैठे थे लद्दाख में ही, कड़कड़ाती ठंड में, -डिग्री टेम्परेचर में, मगर आज उनकी यही लड़ाई दिल्ली के जंतर मंतर आ पहुंची है, जहां से न्यूज़ डिग्गी ने उनसे बात की और बताया कि अगर सरकार उनकी इस मांग को नहीं सुनती है तो वो आगे क्या रुख अपनाने वाले हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं गजेंद्र सिंह, जंतर मंतर दिल्ली।